खन्नाल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना रहे होंगे, इसमें कन्वर्ट द रिसर्च क्वेश्चन टू नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप जो भी चीज़, जो भी आपका मकसद है, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन होते हैं जिनको हल करने के लिए, जिनके जवाब के लिए आप ये सारी रिसर्च कर रहे हैं, आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने जो नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल ली हुई है वो वेट की एग्जांपल है। यूएस में ड्यूरिंग 1970 से 1990s तक, इसमें हम नल हाइपोथेसिस ये बनाएंगे, नो डिफरेंस इन द पॉपुलेशन, और उसका जो अल्टरनेटिव बनेगा कि देर इज डिफरेंस इन द पॉपुलेशन। ठीक है, एक में हमने कहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है पॉपुलेशन में, और दूसरे में हम कह रहे हैं कि डिफरेंस है पॉपुलेशन में। वो कोई भी एबीसी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंस नहीं है। अब इसको आपने करना क्या है, इसको वैलिडेट करने के लिए आप डाटा कलेक्ट करेंगे और एविडेंस सीक एविडेंस अगेंस्ट एच नॉट, या तो आप इसको अप्रूव करें, एक्सेप्ट करेंगे, या रिजेक्ट करने के लिए आप वो डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कि बॉडी वेट की, इन द 1970 to 20 to 29 years old मैन इन द US हैज अ मेन वैल्यू बॉडी वेट ऑफ 170 pounds, स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 40 pounds। वी टेस्ट वेदर मेन बॉडी वेट इन द पॉपुलेशन नो डिफर्स। अब हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं, क्वेश्चन समझने पहले, 1970 में जो 20 से 29 ईयर्स के लोग थे US में, उनका जो मीन बॉडी वेट है, जो एवरेज बॉडी वेट था, वो 170 pounds था और स्टैंडर्ड डेविएशन 40 थी। आज के दौर में हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वो पॉपुलेशन का जो बॉडी वेट है, मीन बॉडी वेट, वो आज अलग है, डिफरेंट है, या उसी वेट के मुताबिक है जो 1970 में था। तो इज़ देयर एनी डिफरेंस और नो डिफरेंस। ठीक है, अगर नो डिफरेंस है तो वो आपका नल हाइपोथेसिस बन गया, और अगर डिफरेंस है तो वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो नल हाइपोथेसिस हमें ये कहता है कि जो वेट 1970 में था वही आज है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप वन टेल भी हो सकता है आपके पास, और टू टेल भी हो सकता है। अगर तो आप कहते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन, आप यहाँ पे कहते हैं कि हमारा जो वेट है, मीन वेट, वो ग्रेटर है 170 से, 1980 में 170 था, आज उससे ज़्यादा है, तो ये आपका वन साइडेड है। या आप कहते हैं कि आज 170 से कम है, तो फिर भी ये वन साइडेड है, क्योंकि आप एक साइड चेक कर रहे हैं, आप उसकी दूसरी साइड नहीं चेक कर रहे हैं। या तो आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं कब की, या आप राइट साइड को देख रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि इक्वल नहीं है 170 के। अब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन 170 नहीं है। तो अगर आपका जो हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि कोई चीज़ इक्वल नहीं है, तो उसको हम टू साइडेड हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं। और जो हाइपोथेसिस आपकी ये कहते हैं कि ग्रेटर देन है या लेस देन है, उसे हम वन टेल्ड हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं, या वन साइडेड हाइपोथेसिस कंसीडर कर रहे होते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वन सैंपल टेस्ट ऑफ अ मीन वेयर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन इज नोन, यूज दिस स्टैटिस्टिक टू टेस्ट द प्रॉब्लम। अब हम इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये दो फार्मूलाज होंगे, इसमें z इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, सैंपल मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। तो ये दो फार्मूला यूज करते हुए आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे। हमने पहले स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया, क्योंकि इस फार्मूले में हमें स्टैंडर्ड एरर की जरूरत है। स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में आपके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन है 40, सैंपल साइज हम अज्यूम कर रहे हैं रैंडम सैंपल सैम्पलिंग टेक्निक के जरिए, हमने 64 सैंपल लिया है यूएस के जो मैन है आज के। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया सैंपल मीन का 5। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, ये हमने कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं ली। ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो आज सैंपल मीन है, जो हमने 64 लोग लिए हैं उनका जब मीन निकाला है तो वो 173 है। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास जो जी स्टैटिस्टिक है
वो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.60। अब आप इस वैल्यू को टेबल जी टेबल में देखेंगे और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देख के और उसको लिख लें, ठीक है। अब हम दूसरी अजम्पशन ले रहे हैं। एक अजम्पशन हमने ये ली है कि ये जो 64 लोग हैं, इन 64 का जो मेन वेट आया वो 173 आया। अगर हम ये अज्यूम करें कि इनका जो मेन वेट है वो 185 आया, हम दो चीज़ें देख रहे हैं। एक हमने अजम्पशन की है कि 173 वेट आया, दूसरी हम अजम्पशन ये ले रहे हैं, दो कैलकुलेशन कर रहे हैं। दूसरी कैलकुलेशन में हम ले रहे हैं वेट 185, बाकी चीज़ें हम सेम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है उसका 5 है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट है वो हमारे 64 ही है सैंपल में, और जो पॉपुलेशन की है वो भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर कांस्टेंट है। सिर्फ जो हम चेंज कर रहे हैं वो मीन वेट चेंज कर रहे हैं उनका। तो इस केस में आपके पास जो जी स्टैटिस्टिक्स आए वो आ गया 3। अब आप जब 3 पे जाके उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे जी टेबल में, ये हमने 3 सैंपल कैलकुलेट किए हुए हैं, एक 173 पे, एक 185 पे, एक आपके पास 164 पे। तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई जो कि बेल शेप है। अब आप अगली चीज़ ये करनी है कि इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना। अभी जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो जी स्टैट में है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं जो जी स्टैट में, अब हमने इनको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। द पी वैल्यू आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व टेस्ट स्टैटिस्टिक आर वन मोर एक्सट्रीम व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। अब हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के लिए उसकी पी वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आए हैं उन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को आपने पी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। दिस क्रॉसपॉन्ड टू द एरिया अंडर कर्व इन द टेल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बियॉन्ड द जी स्टैटिस्टिक्स। फर्दर टाइमिंग प्लीज इग्नोर दिस, इससे आपको कन्फ्यूजन होगी। हम आसानी के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब ये देखें कि जब आपने अज्यूम ये किया कि हमारा जो सैंपल मीन है वो 173 है, ठीक है, उस पर आपका जी स्कोर कितना आया था, उसके लिए आपका जी स्कोर आया था 0.6। 0.6 को जब आपने जी टेबल में जाके उसकी प्रोबेबिलिटी क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देखी तो वो आ गई 0.2343, 27.43। अब इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये हमें रिजेक्ट करना है, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है, क्या करना है। दूसरी जो हमने मेन वैल्यू कैलकुलेट की थी वो हमने की थी 185 पे, और हमारा जो जी स्कोर आया था वो 3 आया था। जी स्कोर 3 पे जब हमने उसकी पी वैल्यू में कन्वर्जन की तो वो हमारे पास आ रही है 0.0010, ठीक है। अब ये इस स्लाइड में हम बाद में आते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। पी वैल्यूज आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व टेस्ट स्टैटिस्टिक व्हेन एच नॉट इज ट्रू। Thus, smaller and smaller p value provides stronger and stronger evidence against H naught. H naught ये कह रहा था कि आपकी जो population का mean है जो कि mean value 170 थी उसमें और आज की value में कोई फर्क नहीं है। तो जब हम ये value देखते हैं 170 जो थी ये 190 में वैल्यूज थी, 173 आज की वैल्यू में। नल हाइपोथेसिस आपका कहता है कि इस वैल्यू और इस वैल्यू में कोई बड़ा सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकल डिफरेंस नहीं है, आपने सिर्फ इसकी ऑब्जर्व वैल्यू नहीं देखनी। ऑब्जर्व वैल्यू आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये 170 है, ये 173 है, इन दोनों में डिफरेंस तो है 3 का, लेकिन स्टैटिस्टिकली क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो इसके लिए आपको पी वैल्यू देखनी होती है। पी वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी अच्छी होती है। अगर पी वैल्यू आपके पास 0.00005 में आती है तो हम इसे कंसीडर करते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बेशक इनमें इनके दरमियान सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो 0.27, जो हम अज्यूम करते हैं कि ये एक बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है प्रोबेबिलिटी में। दूसरे केस में जब हमने 185 लिया तो इन दोनों में जो डिफरेंस है
अगर आप एक सिंपल लेमैन के तौर पे देखें तो 15 का है, लेकिन आप इसी चीज़ को जब स्टैटिस्टिकल टर्म में देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी भी ये कह रही है कि ये जो डिस्टेंस है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये पी वैल्यू इसकी बहुत थोड़ी आई है, 0.0010, स्मॉलर पी वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर एविडेंस अगेंस्ट एच नॉट। एच नॉट क्या था कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और अल्टरनेटिव ये था कि डिफरेंस है। तो जब आपने वैल्यू चेक की 185 की, जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी 0.0010 है, तो इसका मतलब पी वैल्यू स्मॉल है और एविडेंस हमारा स्ट्रांग है किसके अगेंस्ट, आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर 185 मीन वैल्यू पे। नॉर्मली जो हम पी वैल्यू यूज करते हैं वो किस रेंज में करते हैं, अगर तो आपका आंसर जो पी वैल्यू है उसका आंसर प्रोबेबिलिटी का आंसर 0.01 आ जाए से ऊपर आ जाए तो हम इसे कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं है, हम फिर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर इसका आंसर लेस देन 0.1 आ जाए तो उस केस में हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर ग्रेटर देन 0.1 आ जाए, ठीक है, 0.0011 आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि आप एच नॉट को एक्सेप्ट करें, एच नॉट नल हाइपोथेसिस, एच नॉट को एक्सेप्ट करें, अल्टरनेटिव को रिजेक्ट करें, ठीक है। लेकिन अगर आपका आंसर लेस देन 0.1 आए तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उस सूरत में हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं, अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका आंसर 0.05 के से 0.1 के दरमियान में आ जाए तो हम कहते हैं कि आपके पास सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप तो है लेकिन ये मार्जिनल है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का 0.01 से 0.05 के दरमियान आ जाए तो हम कहते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है और हम एच नॉट को बड़े आसानी के साथ रिजेक्ट कर सकते हैं और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं विद रीजनेबल प्रूव स्टैटिस्टिकल एविडेंस। अगर आपका आंसर 0.01 से भी छोटा आ जाए, प्रोबेबिलिटी का इस वैल्यू से भी छोटा आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये हाईली सिग्निफिकेंट है और इसको हम बड़े आसानी के साथ रिजेक्ट करके H1 को एक्सेप्ट करते हैं जो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब आते हैं हम अपनी एग्जांपल की तरफ, जो हमने कैलकुलेशन की है 173 पे और 185 पे। 173 पे जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमारी प्रोबेबिलिटी आई थी 0.2753 43 हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब आप ये डिसाइड करें कि क्या ये वैल्यू जो हमने वैल्यूज देखी हैं ग्रेटर देन 0.1 0.05 टू 0.10 बिटवीन 0.01 टू 0.05 और लेस देन 0.01 उनमें से किस जगह फॉल करती, क्या ये पहली कंडीशन में आती है ग्रेटर देन 0.1 है, बिटवीन 0.05 एंड 0.1 है, बिटवीन 0.01 एंड 0.05 है, या लेस देन 0.01 है। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये ग्रेटर देन 0.1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0.1 होगी तो हम ये कहते हैं कि नॉन सिग्निफिकेंट एविडेंस अगेंस्ट एच नॉट, मतलब ये है कि हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। और एच नॉट इस केस में क्या था, इस केस में एच नॉट ये था कि जो वेट 1970 में था आज भी पॉपुलेशन का वेट वही है, और सैंपल डाटा ने इस चीज़ को वैलिडेट कर दिया, स्टैटिस्टिकल एविडेंस ने इस चीज़ को वैलिडेट कर दिया, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते अगर हम 173 वाले सैंपल पे बेस करें तो। लेकिन अगर हम बेस करें 185 वाले सैंपल पे तो वहाँ पे हमारी जो पी वैल्यू आई थी वो आई थी 0.010। अब आप ये देखेंगे ये कहाँ पे है,
तो हम ये देखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है या यहाँ पे फॉल करती है इन दोनों में से, ठीक है। इन दोनों क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट एविडेंस अगेंस्ट एच नॉट। अगेंस्ट एच नॉट का मतलब ये है कि आप एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे आप अगर यहाँ पे वैल्यू आ गई है तो आप इस केस में 185 में रिजेक्ट करेंगे और आप कहेंगे नहीं, जो वेट 170 में था आज वो वेट नहीं है, आज वेट डिफरेंट है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स आप सैंपल कौन सा ले रहे हैं, कितनी उसका जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो क्या चीज़ें, उनकी बेस पे आप ये बताएंगे कि आपने एच नॉट रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। और एक ही पॉपुलेशन में अगर आप डिफरेंट सैंपल यूज़ करते हैं तो बाद सैंपल के लिए वो एच नॉट आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे, बाद सैंपल के लिए एच नॉट रिजेक्ट कर रहे होंगे। ओके, टू साइडेड पी वैल्यू में क्या है, आपने एक पी वैल्यू जो हमने पहले कैलकुलेट की है वो वन साइडेड है इस स्लाइड में, ठीक है। इस स्लाइड में और इससे नेक्स्ट में हमने सिर्फ वन साइडेड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, हमने सिर्फ ये राइट साइड वाली देखी है, लेफ्ट साइड वाली नहीं देखी। सेम इसी तरह हमने इस केस में भी हमने राइट साइड की प्रोबेबिलिटी देखी है, लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी नहीं देखी। अगर आप बोथ साइड की प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं तो एक साइड की आपने कैलकुलेट की वो ये आई, उसको मल्टीप्लाई टू कर लें तो आपके पास पूरे इस दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी को कवर करनी होगी। नेक्स्ट आपके पास है टू टेल टेस्ट ऑफ मीन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्म। आपके पास दो मेथड है टू टेल टेस्ट में, एक आपके पास है स्केल ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल और दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड स्केल का। स्केल ऑफ ओरिजिनल मेथड में यह है कि आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो किसी यूनिट में है, उसी यूनिट में आप ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैलकुलेट करें और फिर देखें कि वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान में हमारी वैल्यू फॉल करती है या नहीं। अगर तो आपकी वैल्यू दरमियान में फॉल करती है, इस रीजन में फॉल करती है, तो फिर आप उस चीज़ को उस पार्टिकुलर जो भी आपने रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर उस पार्टिकुलर रीजन से बाहर फॉल करती है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। स्केल ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल में जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये दो फार्मूलाज होंगे, वो ये वही फार्मूला है जो हम पहले भी देख चुके हैं। पहला आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन है और दूसरा आपके पास एस्टीमेट पॉइंट एस्टीमेट प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर, ये वही फार्मूला है जो हम प्रीवियस देख चुके हैं। तो आप एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो आपके पास अपर लिमिट आ गई, माइनस करेंगे तो आपके पास लोअर लिमिट आ गई। और जो भी आपके पास सैंपल मीन है या सैंपल वैल्यू पॉइंट एस्टीमेट आपने किया है वो अगर इन दोनों लिमिट्स के दरमियान में फॉल कर रहा है तो ये आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। जो सेकंड मेथड है आपके पास स्टैंडर्डाइज स्केल का, स्टैंडर्डाइज स्केल पे जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ कर रहे होंगे ये वाला, जी इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल। ये फार्मूला भी हम पहले देख चुके हैं। आप ये करेंगे कि क्रिटिकल वैल्यू देख, क्रिटिकल वैल्यू अब आपने इसकी वैल्यूज मेंशन करनी है। जैसे हमने पढ़ा था कि आप 1% ले रहे हैं तो आपकी ये वैल्यू होगी, 5% ले रहे हैं तो 1.96 है, 10% ले रहे हैं तो 2.85 है। अब आपने वो वाली वैल्यूज इस तरह नीचे एक लाइन से उसको मेंशन कर लेना है, और जो आपकी जी स्कोर की वैल्यू है उसमें वो आपने देखनी है कि वो वैल्यू इन वैल्यूज के दरमियान में फॉल करती है या नहीं। अगर तो इन दरमियान में फॉल करती है तो फिर आप कहेंगे कि हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, और अगर इस इन दो रीजन के आउटसाइड फॉल करती है तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर रहे होंगे। स्टैंडर्डाइज स्केल में आपने एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, वो 5 स्टेप्स का प्रोसेस है। प्रोसेस में आपने क्या क्या करना होता है, डिसाइड विदर इज इट इज अ टू टेल और वन टेल टेस्ट, स्टेट हाइपोथेसिस। जैसे हमने पहले जब हम हाइपोथेसिस के स्टेप पढ़ रहे थे तो हमने पहले ये देखा था कि रिसर्च क्वेश्चन को हाइपोथेसिस में डिवेल्प कन्वर्ट करें। यहाँ आपने पहले ये बताना है कि आपका टेस्ट जो है वो टू टाइप है, मतलब नॉट इक्वल वाला है या ग्रेटर देन और लेस देन वाला है। ग्रेटर देन लेस देन वाला होगा तो वन टेल है, नॉट इक्वल वाला है तो आपके पास टू टेल है। फिर आपने उसके हाइपोथेसिस डिवेल्प कर लेने। डिसाइड विच डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट, ये डिसाइड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने वो टेबल देखना है कि पॉपुलेशन मीन नोन है या अननोन है और सैंपल साइज क्या है। तो उसकी बुनियाद पे आप डिसाइड करेंगे कि मुझे टी वैल्यू यूज करनी है या जी वैल्यू यूज करनी है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिकल सैंपल स्टैटिस्टिक।
उसके बाद आपने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है, स्केच द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्क द पोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड सैम्पल वैल्यूज एंड द क्रिटिकल वैल्यू फॉर द टेस्ट। जैसा कि हमने यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद फिर हमने ये क्रिटिकल वैल्यूज डिसाइड कर ली 1.965% पे, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। कंपेयर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज सैम्पल स्टैटिस्टिक विद द क्रिटिकल वैल्यू। और लास्ट जो आपने करना है वो ये करना है, आपने जो ये क्रिटिकल वैल्यूज लिखी हैं 1.96 की, आपने इस 1.96 की वैल्यू को कंपेयर करना है अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू से जो आपने इस फार्मूला से कैलकुलेट की है। हमारे जो केस है उसमें हमने जो कैलकुलेशन की उसका हमारा आंसर आया था -1। ये आपकी बुक में पेज नंबर 419 पे गिवन है, ठीक है। उस कैलकुलेशन में जो आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो हमारी जो वैल्यूज है -1 की वो इस रेंज से इस रेंज के दरमियान में फॉल कर रही है, तो इसलिए हम इस केस में हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर प्रोपोर्शंस, जो हमने पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखी थी वो मेन के लिए थी, अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोर्शन के लिए। ये फार्मूला भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस प्रोपोर्शन ऑफ फेलियर डिवाइडेड बाय एन। आप जो सैंपल है सैंपल में आप डिवाइड कर लेंगे कि इतने चांसेस इतने जो इवेंट्स हैं वो सक्सेस हैं, इतने इवेंट्स फेलियर हैं। आप उनकी रेशियो या क्वांटिटी जो भी आप देखना चाहें वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और इस फार्मूला से आप प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर रहे होंगे। और इसी चीज़ को लेते हुए आप जी स्टैट कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आपने प्रीवियस केसेस में किया जिसमें आपके पास फार्मूला होता था मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। तो ये वही फार्मूला है इसमें जो आपके जिन अल्फाबेट से उसको रिप्रेजेंट किया गया वो डिफरेंट है। वहाँ हम क्योंकि मीन यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक्स यूज़ किया था, यहाँ पे हम प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे हैं तो प्रोपोर्शन में आप पी यूज़ करेंगे। बाकी वही सारी चीज़ें हैं, अगर आपका आंसर इस रीजन में फॉल करेगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, इस रीजन से आउटसाइड फॉल करेगा तो आप उसे रिजेक्ट कर रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपके जो भी आंसर एंड क्वेश्चन है वो हम आंसर एंड क्वेश्चन सेशन में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।